दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश सरकार में मंत्री केपी मलिक जी हैं और आप बड़ोस से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार विधायक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं और ग्रास रूट से विधानसभा तक का सफ़र तय किया है। मलिक साहब, कुछ ही देर में बागपत सीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उम्मीदवार की इच्छा के अनुसार काम किया, दिलचस्पी ली और गठबंधन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। कितने से जीत रहे हैं? हम रिजल्ट तो आने वाला है, फाइनल नहीं हुआ, पर लगभग 1.25 लाख वोटों के आसपास से हमें जीत होनी चाहिए। ऐसा सोचा था चुनाव के बीच में कि इतनी लीड हो सकती है? हमने सोचा था कि हम 1.5 लाख से ऊपर की जीत में जीत लेंगे जी। सभी मतदाताओं का यही मानना था, उसी पे हर कोई मतदाता इस बात पे खरा उतरा। गठबंधन के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए खरे उतरे कि सभी ने दिलचस्पी लेकर अपने राजकुमार सांगवान को ऐतिहासिक जीत दिलवाने का काम किया। क्या ये इस पर भी मोहर है कि RLD और BJP के बीच में बागपत में कोऑर्डिनेशन बेहतर था? बहुत बेहतर था, उसी का तो परिणाम ये जीत है। अगर बेहतर ना होता तो इतनी अच्छी जीत ना होती। कहीं छोटी छोटी जीत, कहीं हजारों में जीत के आसार हैं, कहीं 100 में जीत के आसार हैं। हम अगर 2 लाख के करीब के जीत के आसार हैं तो ये कार्यकर्ताओं की मेहनत ही का परिणाम है। क्या भविष्य देखते हैं इस गठबंधन का आप? गठबंधन का भविष्य तो इतिहास गवाह है। जब जब गठबंधन रहा है तभी सफल कार्यकर्ता और सभी अच्छे कार्यकर्ता मिले और विकास के नाम पर ऐतिहासिक काम हुआ। आप तो पूरे प्रदेश में घूमते हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो आपसे हम थोड़ा प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ पिछली 2014 और 19 के मुकाबले कि इस बार 50-50 हो गया यूपी? वैसे तो जनता तय करती है, मतदाता तय करते हैं हालात और उसको देख कर कि क्या करना चाहिए, पर अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तो गिनती चल रही है। ये शाम को हमारा आप बात करेंगे तभी मैं बता पाऊंगा। आपको लगता है कि रुझान नतीजों तक बदलते कुछ और? पक्का सरकार NDA की कुछ बनेगी। EVM वाला मामला है या वोटर्स वाला मामला है? आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत सारे मुजफ्फरनगर और कई जगह हम पिछड़े हैं। अगर EVM का ही ये मामला होता तो हम वहाँ ना पिछड़ते, फिर तो मैं वहाँ भी जीतना चाहिए था। EVM का कोई फैक्टर नहीं, कोई है, रियल वोट नहीं, सब बिल्कुल रियल वोट है, मतदाताओं की मेहनत का परिणाम है। क्या लगता है आपको कि ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिनसे फायदा हुआ BJP को पूरे प्रदेश में, और ऐसे दो कौन से मुद्दे रहे जिनसे थोड़ा मन बदला मतदाता? सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने काम किया, हमारे नेताओं ने काम किया, उसका परिणाम है आज अच्छा परिणाम आ रहा है। और कौन सी ऐसी वजह रही जिससे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा? सबसे ज़्यादा रैलियाँ की चुनाव में तो संघर्ष होता ही है, पर परिणाम देखा जाता है कि परिणाम कहाँ पहुँचा। हम परिणाम बेहतर आए तो हमने बेहतर ही काम किए होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत